जिला ऊना के डिग्री कॉलेज में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कॉलेज के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के दूरदराज इलाकों तक शिक्षा का अलख जग सके, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार अब क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करने जा रही है। उन्होंने अध्यापकों से कहा कि वे ट्रांसफर की तरफ ना भागे। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा है कि हम प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें, हम इस पर फोकस कर रहे हैं। कॉलेज आप देख रहे हैं कि जब हम स्टूडेंट थे, कॉलेज जो है वहाँ पे डीएवी की पुरानी बिल्डिंग में चला करता था। कॉलेज का बहुत विस्तार हुआ है, कॉलेज बहुत आगे बढ़ा है और ये ऊना कॉलेज हमारे इलाके की शान है और इसकी भव्यता भी बनती जा रही है और इसके बच्चे भी जो है देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं और बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ काम कर रहे हैं और हमारा टीचर से भी यही है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफर की तरफ मत भागो, ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है कि हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकें, यहाँ के स्टूडेंट्स को देश दुनिया में कैसे नाम हो, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हो, चाहे वो खेल जगत से जुड़ी हो, चाहे म्यूजिक की दुनिया से हो, कोई भी दुनिया हर क्षेत्र में। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा, जो कॉलेज हमने देखा था उससे हटके बहुत बड़ी विकास की यात्रा ये कॉलेज तय कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, ऊना।